मंगलवार से शुरू हो रही मैट्रिक परीक्षा को लेकर भागलपुर समीक्षा भवन में डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री की सोच के मुताबिक लड़कियों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका असर भागलपुर में भी देखने को मिल रहा है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने परीक्षा के दौरान किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल ले जाने पर रोक की बात कहते हुए परीक्षार्थियों के साथ उनके अभिभावकों से भी इसमें सहयोग करने और समय पर सेंटर पर पहुंचने की बात कही। कल से स्टार्ट हो रही है, अभी इंटर की परीक्षा हुई है, बीपीएससी की परीक्षा हुई है, तो बहुत बढ़िया से शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हुई है। तो आज हम लोगों ने सेंटर सुपरिटेंडेंट, पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट सबके साथ ब्रीफिंग किया है, सबको बता दिया है और बहुत बढ़िया माहौल में जो है परीक्षा होगी। और एक बहुत सुखद ट्रेंड भी जो है वो देखने को मिल रहा है, जैसे इस बार मैट्रिक में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है भागलपुर ज़िले में। तो जो सरकार प्रयास कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, तो ये सब का बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है कि लड़कों से ज़्यादा संख्या में लड़कियाँ जो हैं वो सम्मिलित हो रही हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर भागलपुर जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। एक ओर जहां शिक्षा विभाग के निर्देश पर भागलपुर समेत पूरे बिहार के परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला और पुलिस प्रशासन के स्तर से भी शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में परीक्षा लेने के लिए केंद्रों पर परीक्षार्थी की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की कही जा रही है। परीक्षा के दौरान सरकारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा केंद्राधीक्षक और पुलिस प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है, जिससे कदाचार मुक्त और बिना किसी व्यवधान के परीक्षा संपन्न कराया जा सके। वहीं मैट्रिक परीक्षा को लेकर भागलपुर में बनाए गए कुल 57 परीक्षा केंद्रों पर 49,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें 41 परीक्षा केंद्र भागलपुर नगर निगम क्षेत्र, 9 सेंटर नौगछिया और 7 एग्जामिनेशन सेंटर कहलगांव में बनाया गया है। सभी छात्र छात्राओं को जूता, बैग, मोबाइल या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सेंटर पर लेकर आने की मनाही है और सभी छात्र छात्राओं को आधे घंटे पूर्व केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। इसके अलावा सेंटर पर छात्र छात्राओं की 3 स्तर पर गहन जाँच की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस द्वारा पुख्ता तैयारी की गई है। इसको लेकर ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि 22 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। बता दें कि पूरे बिहार में कुल 16,37,414 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे, जिसमें से 8,31,213 छात्रा और 8,06,201 छात्र शामिल है। हाँ, मैट्रिक की एग्ज़ाम 14 से 22 तक चलेगा। इसके पूर्व भी इंटर का एग्ज़ाम चल रहा था, उसमें भी हम लोगों ने यातायात को नियंत्रण है तो कुछ ऑर्डर निकाले थे, उसी तरह के ऑर्डर जो है फिर से हम निकाल रहे हैं, जिसमें ये व्यवस्था होगी कि पीरपैंती जो है रात को 12 बजे से ही जो कमर्शियल मालभाग वाहन है उसको रोक देंगे, उसके बाद सनहौला 3 बजे भोर से रोकेंगे। इसके अलावा जो है आसपास के शहर के आसपास के जितने भी थाने हैं, जैसे कि सबौर, नाथनगर, जगदीशपुर, उसके बाद कजरेली, ये थाने सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और उसके बाद 11:30 बजे से 1:30 बजे तक भारी वाहनों का आवाजाही को रोकेंगे, जिससे कि यातायात नियंत्रित हो सके। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 22 बिगी चौक के समीप से सीआईटी के जवान ने एक अपराधी को पिस्टल, कट्टा और 4 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी की पहचान चंपानगर गड़कछारी निवासी मोहम्मद नूर इस्लाम के रूप में हुई है। इसको लेकर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद खलीक उजमा ने बताया कि डीएसपी से मिली गुप्त सूचना के आधार पर सीआईटी की टीम गठित कर कार्रवाई की गई, जिसके बाद सीआईटी सेक्टर 4 की टीम ने बदमाशों को नाथनगर थाना के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहम्मद नूर इस्लाम के पास से एक देसी पिस्टल एवं एक कट्टा और 3 जिंदा गोली बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर सघन छापेमारी शुरू कर दी गई है।
भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत अंतर्गत पसराहा गांव में रविवार की रात एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं इस घटना को लेकर पीड़िता उषा देवी ने बात थाना में लिखित आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता उषा देवी ने पुलिस को दिए गए आवेदन में बबलू दास, प्रियंका कुमारी एवं पूनम देवी समेत कई लोगों द्वारा उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। उषा देवी ने बताया कि सभी आरोपियों ने उनका हाथ पकड़कर लाठी डंडों से मारपीट की, जबकि शराब के नशे में बबलू दास ने उसके साथ छेड़खानी का भी प्रयास किया। साथ ही पीड़िता का कहना है कि जब उसका पुत्र बीच बचाव करने आया तो दबंगों ने उसे भी मारा और घटना की शिकायत किसी से भी करने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी दी है। पूनम देवी ना, प्रियंका कुमारी ना। हाँ, काहे मारा आपको? बच्चा बटरूम बोल लिए ने बस मारा लग दे हम अकेले कहना ना करी मार ले हेड्रोसल दाइ मार जाए एगो बच्चा हमरा मरी ले कोई हम तो तीन न तीन दूजी का फिर ओरो हेड्रोसल दे भी मार जाए। हां कहना मार ले के हां मारबो। हां भागलपुर के अलीगंज में वर्ष 2019 में हुए काजल एसिड कांड मामले में आरोपी युवकों के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि पुलिस ने बिना जांच किए ही निर्दोष पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया, जबकि घटना के बाद शहर के कुछ राजनीतिक पार्टी और कुछ संगठनों के दबाव पर निर्दोष युवकों पर आनन फानन में कार्रवाई करने की बात आरोपी के परिजन कह रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर गिरफ्तार कथित आरोपी रंजीत शाह की मां का कहना है कि पुलिस ने बिना सत्यापन किए ही उनके पुत्र के खिलाफ एक्शन ले लिया, जबकि बेटे की रिहाई की मांग को लेकर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखित आवेदन देकर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इधर रंजीत शाह का पूरा परिवार रंजीत की रिहाई की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इसको लेकर रंजीत के भाई ने बताया कि पुलिस अनुसंधान किए बगैर मीडिया के दबाव और कुछ लोगों के प्रभाव में आकर निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित कर खानापूर्ति कर दी है, जबकि इस केस में उनके भाई रंजीत शाह को पुलिस ने 15 अगस्त 2021 को घर से गिरफ्तार कर आरोप पत्र समर्पित किया है। साथ ही अनुसंधानकर्ता द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर सही तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा इस केस के कालीन बबरगंज थाना अध्यक्ष और अनुसंधानकर्ता मिथिलेश चौधरी द्वारा बगैर पीड़िता काजल कुमारी और उसकी मां पूनम देवी से मिले बयान दर्ज कर आरोप पत्र समर्पित करने का आरोप परिजनों ने लगाया है। यही है कि बिना अपराध रो उसको फंसाया गया। हाँ, अब उसको अभी ज्वाइनिंग लेटर भी आया था, उसका कोई काम न। तो उसको 2.5 साल के बाद उसको उठाया गया। आवेदन कहीं दिए? आवेदन तो उसी को दिए हैं, नीतीश कुमार को, सीएम को आवेदन दे दिए इसको। हाँ। और फिर क्या हुआ? फिर अभी तो कुछ पता नहीं चला, कल पेपर में दिया है। कितने साल से जेल में है? 1.5 साल से। घर पे वो आए थे, मिथिलेश कुमार चौधरी उस समय आईओ थे, वो आए थे और घर से हमारे भाई को फोन करके बुलाते थे कि आइए आपका कोर्ट में जो है ब्लड सैंपल लिया जाएगा और जांच करवाया जाएगा। ब्लड सैंपल हुई थी? अब सैंपल जांच नहीं करवाया गया क्योंकि 2-3 बार बुलाया और मेरा भाई घूम घूम के घर गए और जांच नहीं करवाया गया। क्या नाम है बोल के ये के बोल के निकल गए कि जो है लड़की मर चुकी है इसलिए जांच नहीं करवाए। लेकिन जब लड़की जो है लगभग घटना के 40 दिन बाद मर गई थी तो लेकिन नोटिस जो आया था वो 2020 में आया, लड़की तो 19 में ही मर गई, तो नोटिस 2020 में जारी का क्या मतलब रह जाता है। भागलपुर कबीरपुर स्थित चंपानगर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र में पधारे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी से दीक्षा प्राप्त करने पहुंचे मुनि श्री प्रशांत सागर जी का असामयिक देवलोक गमन हो गया। वहीं इसके बाद उनकी डोली यात्रा निकालकर उनका अंतिम संस्कार चंपापुर सिद्ध क्षेत्र में किया गया। इधर बड़ी संख्या में महिला पुरुष की भीड़ चंपापुर सिद्ध क्षेत्र में जुटी, जहाँ पूरे विधि विधान से श्रद्धालुओं द्वारा नारियल अर्पण कर उनका समाधि पाठ
किया गया। इसको लेकर मुनिराज निर्भय सागर जी ने कहा कि इंसान जब पैदा होता है तो जगत जश्न मनाता है और मुनि श्री प्रशांत सागर जी ने अपना जीवन ऐसा जिया कि उनके निधन पर सभी लोग दुखी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मृत्यु कभी अंत नहीं होती बल्कि नए कदमों की ओर शुरुआत होती है। मौके पर श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र के मंत्री सुनील जैन सत्यम समेत श्रद्धालुओं ने श्रीफल अर्पण कर मुनि प्रशांत सागर जी को विनयांजलि समर्पित की। परम पूज्य मुनिराज प्रशांत सागर जी महाराज जो आचार्य शिरोमणि विद्यासागर जी से दीक्षित है चंपापुर सिद्ध क्षेत्र में, आज उनका प्रातः सामायिक करते हुए ध्यान करते हुए साधना करते हुए देहांत हो गया, वे स्वर्ग लोक को गमन कर गए। हम सब यहाँ पर उनका इस पंचकलानक क्षेत्र पर उनकी समाधि का यहाँ चल रहा है, उनको यहाँ अग्नि में जल समाधि दी जा रही है, अग्नि समाधि दी जा रही है उनको। धृत से पहले स्नान कराया गया और फिर उन्हें अग्नि प्रज्वलित कर और नारियल अर्पण कर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। भागलपुर के पीरपैती में भारत स्काउट एंड गाइड के प्रथम सोपान का दीक्षांत सह समापन समारोह बसंतपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बलदेव ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि अनिल सिंह, मुखिया दीपक सिंह, प्रधानाध्यापक मनीष कुमार समेत कई लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक मनीष कुमार ने अतिथियों और स्काउट के प्रशिक्षक मुकेश आजाद का स्वागत और सम्मान किया, जबकि विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य अनिल कुमार सिंह एवं प्रधानाध्यापक द्वारा प्रशिक्षक को आर्थिक सहायता भी की गई। वहीं बीईओ बलदेव ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में स्काउट गाइड का संचालन होना चाहिए जिससे बच्चे अनुशासन के साथ और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ और मजबूत बन सके। इसके अलावा कार्यक्रम में 80 बच्चों को स्कार्फ और बैज देकर सम्मानित किया गया। मौके पर गाइड कैप्टन समातरन्नुम मोहम्मद नूर हसन, कविता सिन्हा, प्रियंका कुमारी समेत स्कूल एवं स्काउट गाइड से जुड़े सदस्य और बच्चे मौजूद रहे।